अगर एक हफ्ता पहले या दो हफ्ते पहले या तीन हफ्ते पहले उसके प्लेटलेट्स क्या थे, आज उससे ज्यादा हो सकते हैं। आज उसकी उसकी जो खून की जो कैफियत है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मसला ये नहीं है, बीमारी की तशखीस क्या हुई है, इलाज क्या होना है, जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। असल मामला ये है कि एक को सियासत का मौजू बना लिया गया है, और ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी रवायत नहीं है पाकिस्तानी मुआशरे के लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी। बहरहाल अब ये मामला अदालत में जाएगा और वहां सारी तफसील पेश हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये पंजाब हुकूमत का मौकफ जो है, क्योंकि दुरुस्त है और वो उनकी जमानत को तौसीर नहीं कर रहे, और फिर वो तो उनको तो माजी से गलत करार दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, तो ये सारी तफसील जो है ये अदालत को फैसला करना होगा। वहां रिपोर्टें भी आ जाएंगी, डॉक्टर्स की राय भी आ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं जब वो लंदन में है और जिस डॉक्टर के जेरे इलाज है, उस डॉक्टर की या उन डॉक्टर्स की राय की बुनियादी अहमियत होगी। यहां का मेडिकल बोर्ड या यहां का हुकूमत का बोर्ड ये कोई फैसला नहीं कर सकता मरीज के बारे में। मरीज के बारे में अब वो फैसला करेगा जिसकी कस्टडी में है, जो इलाज कर रहा है। अब ये कहना कि अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, जब वो गए हैं यहां से अस्पताल में तो उस वक्त भी वो नहीं थे, यहां से घर गए थे अस्पताल से। तो देखिए ये सारी बातें जो हैं उनके मर्ज की नौइयत ऐसी नहीं है, वो उसके बारे में बहुत तशवीश का आजार किया जा रहा है। हमें गौर तवक्कुफ करना चाहिए, अदालत के सामने जब बात जाएगी उसको फैसला करना होगा, और हमने ये फैसला कर लिया। हमारी सियासत जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि उसने कोई काम ढंग का नहीं करना। कुरान जमात को या तो नवाज शरीफ के बगैर सियासत करने का मजा नहीं आ रहा, या फिर नवाज शरीफ के बगैर सियासत हो नहीं पा रही, ये भी महसूस हो रहा है कि खान साहब को शायद पार्टी के अंदर नवाज शरीफ को भेजे जाने के हवाले से सवालात का सामना है। ताकतवर हलकों का वो हिस्सा जो नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता, उनकी नफरत में गिरफ्तार है, तो खान साहब को उस तबके की तरफ से भी दबाव का सामना है, क्योंकि खान साहब के करीब वो लोग भी हैं जो कि नवाज शरीफ का एन ब्लॉक है, जो नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता है। खान साहब इस दबाव को या तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर उनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हाथ में आया हुआ शिकार निकल जाने पर कफे अफसोस बन रहे हैं। शेर रशीद जैसे बुदरा जो खान साहब को ये मशवरे दे रहे थे कि नवाज शरीफ से जान छुड़ा लें, उन्हें बाहर जाने दें, तो खान साहब ने उनकी बात तो मान ली, लेकिन पार्टी के अंदर या पार्टी को की हमायत करने वाला वो दूसरा तबका जिसका बयानिया ये था कि शरीफ खानदान ने लूटमार की है, उनसे हर सूरत पैसा निकलवाएंगे, वो लगता है कि वो डिसहार्ट हो गया, दिल बर्दाश्त हो गया, और शायद उनकी तरफ से हुकूमत की हमायत में नुमाया कमी आई है, और अब वो कमी पूरा करने की कोशिश दिखाई भी दे रही है। और मुझे यूं लगता है कि पिछले दिनों जो फवाद चौधरी ने कमेंट्स किए वो शायद उसी नाराज तबके के लोगों की तर्जमानी की थी उन्होंने। हाई कोई नहीं मुकाबले पे, देखिए यानी वन साइडेड ट्रैक चल रहा है सारा। अंजुम ऋषि साहब फिर भी हुकूमत नहीं चल पा रही। देखिए देखिए भट्टी साहब एक मिनट आपसे भी सवाल लेकर अंजुम साहब को ले लूं, फिर आपको मैं दोबारा आ रहा हूं। जी कामरान, शायद आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों के लिए। जी जी, तो लोगों को ये समझाने की भी जरूरत है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये ऐसे नहीं है जैसे बजाहिर नजर आ रहा है या बजाहिर स्क्रिप्टेड है। ये स्क्रिप्टेड है, और जिस तरह से जावेद लतीफ साहब और सदाकत साहब जो बहस कर रहे हैं ये बहस है ही नहीं। इमरान खान ने जानबूझकर सोच समझकर एक प्लान के तहत नवाज शरीफ को बाहर भेजा, और वो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा, और इसमें कोई शक नहीं है कि यास्मीन राशिद पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सर्जन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन उस वो एक बड़ी डॉक्टर है, और जितना सेंस उनको है गवर्नमेंट में शायद किसी और को सबसे ज्यादा मेडिसिन का सेंस जो है, ठीक है। वो नहीं, और उन्होंने बिल्कुल डिसाइड करके भेजा। अच्छा ये भी डिसाइडेड था कि वो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे,
अच्छा ये आपने शेख रशीद साहब के बयान सुने और ये हमें भी पता था कि नवाज शरीफ जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे। हुकूमत ऑपोजिशन मिलकर अवाम को बेवकूफ बना रही है। नहीं अवाम को हम लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अवाम को उससे बाहर निकालने का। देखिए ये मेरी मालूमात नहीं लेकिन बहुत से लोग ये बात मान रहे हैं और कर भी रहे हैं कि नवाज शरीफ को प्लानिंग के तहत बाहर भेजा गया क्योंकि वो ना दबाव कबूल कर रहे थे ना कोई डील करने को तैयार थे तो बेहतर ये समझा गया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से बाहर भेज दिया जाए। तो एक थ्योरी ये भी है कि नवाज शरीफ चूंकि खुद से बाहर जाने को तैयार नहीं थे कुछ लोग उन्हें बाहर भेजना चाहते होंगे लेकिन उनकी बीमारी को इतनी शदीद नौयत की बीमारी बनाकर पेश किया गया कि वो बैरून मुल्क इलाज कराने पर राजी हो गए बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद जब नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं कराए गए और उनका फिलहाल कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ ना बकायदा इलाज हो रहा है तो फिर ये थ्योरी और ज्यादा सॉलिड लगने लगी है। यानी नवाज शरीफ को भी मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि वो शदीद बीमार है और उनकी अचानक मौत हो सकती है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ ये बात भी हुकूमती वजीर डॉक्टर यास्मीन राशन ने सबको बताई थी। अब नवाज शरीफ बीमार होंगे लेकिन क्या इतने बीमार थे कि उन्हें बाहर ले जाना पड़ा? तो एक थ्योरी ये भी है कि उनकी बीमारी को हाइप देने का मकसद सिर्फ घबराहट या अफरा तफरी का माहौल पैदा करना था ताकि नवाज शरीफ घबराहट में बैरून मुल्क जाने पर राजी हो जाए। थोड़े बहुत बीमार होंगे लेकिन इतने बीमार नहीं कि जहां बलब होंगे। अब चूंकि अवाम को सरकारी डॉक्टरों मेडिकल बोर्ड और हुकूमती नुमाइंदों यही वो लोग थे जो बता सकते थे, इन्होंने बताया कि नवाज शरीफ बीमार है। अदालत ने पूछा क्या इतने बीमार है और अगर आपने उन्हें रोका तो क्या उनकी जिंदगी को गारंटी है? तो हुकूमत पीछे हट गई। तो यह सूरत हाल हुकूमत ने पैदा की। अब नवाज शरीफ बाहर जा रहे थे तो यह कहा गया कि वो कभी वापस नहीं आएंगे तो इस दावे की जरूर कोई ना कोई बुनियाद भी होगी। इसलिए आज नवाज शरीफ अगर ये कह रहे हैं कि वो इलाज किए बगैर वापस आ जाएंगे, अब मुझे नहीं पता ये धमकी है या फिर नवाज शरीफ को भी हकीकत का इल्म है। मसला क्या है? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहती है एज गवर्नमेंट? वो कहते हैं हमने रिपोर्टें दे दी हैं, आप कहते हैं हमने रिपोर्ट नहीं दी, तो ये फैसला किस तरह होगा? ये तो जाहिर है कोई ना कोई चीज रिकॉर्ड पे होगी उन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने रिपोर्टें दी। थैंक यू काशिफ साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात है कि फैसला तो हो चुका है। फैसला ये हुआ कि एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया। नवाज शरीफ को न दिल की बीमारी है, उसको सिर्फ दिमागी बीमारी है और दिमागी बीमारी ये है कि उन्होंने लंदन जाना है। उनको आदत है हमेशा से झूठ बोलने की। वो एक दफा फिर अपने वर्कर के सामने, पार्टी के सामने, कौम के सामने दोबारा से एक्सपोज हुए हैं। आपको याद है ना जब वो पार्लियामेंट में क्या करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये है वो जराए, और जब वो जराए की बात आई तो उसमें से कतरी खत और ऊंट निकल आए। उनके पास तो कोई वो नहीं था कि कोई मनी ट्रेल नहीं थी। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाके कहा कि जो मैंने पार्लियामेंट में जो मैंने बयान दिया था वो तो मेरा सियासी बयान था, यही बीमारी के बारे में थी। असल में बात ये थी कि वो वही बातें लंदन खोरी और हवा खोरी कर रही थी। लेकिन आपकी हेल्थ मिनिस्टर ने खुद खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इनको कल रात को माइनर हार्ट अटैक। लेट मी कंप्लीट। आपकी हेल्थ मिनिस्टर का मैं दोबारा कहती हूँ, मैंने सुन लिया है, मैंने सुन लिया है। अब मैं इस बात को 16 हफ्ते हो गए हैं। एक शख्स इनको अपनी बात, एक शख्स कहता है, एक शख्स कहता है कि मैं बीमार हूं और फाजल कोर्ट उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो सीरियसली बीमार है। जी जी मैं मौजूद थी और फाजल कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप 4 दिन के अंदर हमें गारंटी दे कि ये शख्स फोत तो नहीं हो जाएगा। जाहिर बात है 4 दिन की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, हम तो अपनी लिसेंस की भी गारंटी नहीं दे सकते। हमने इंसानी बुनियादों पर यह फैसला किया कि एक शख्स कोई भी बीमार हो सकता है, इनको बाहर जाना चाहिए क्योंकि जारी बात है ये कौमी बीमारी बन गई थी, ये एक कौमी फरीजा बन गया था तमाम। देखिए नवाज शरीफ को दिल की बीमारी है या दिमाग की बीमारी है उसका तो इलाज हो ही जाएगा, दोनों काबिल इलाज मर्ज है। लेकिन जिन्हें सिर्फ मुंह की बीमारी है, झूठ बोलने की बीमारी है और यूटर्न लेने की बीमारी है, उनका इलाज कौन करेगा? उन्हें भी इलाज की उतनी जरूरत है जितनी दिलो दिमाग के मरीजों को। तो नवाज शरीफ की बीमारी को ड्रामा करार देकर मुझे यूं लगता है कि खुद हुक्मरान जमात ने अपनी एक और बड़ी नाइली का इतराफ कर लिया है। यानी हुकूमत यह मान रही है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, उन्होंने बीमारी का ड्रामा किया। और वजीर आजम या वजरा या हुकूमत के लोग इतने सादा हैं कि उन्होंने उस पर आसानी से यकीन कर लिया। हालांकि जनाब मोहतरम वजीर आजम साहब ने तो बाकायदा ऐलान किया था, कौम को बताया था कि उन्होंने नवाज शरीफ की अपने जाती मौलिज से तस्दीक कराई है कि उन्हें क्या बीमारी है। मेडिकल बोर्ड के लोगों की खुफिया एजेंसी से तफ्तीश भी कराई गई, ये रिपोर्टें भी हैं
कि उनका उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो अब ये कभी मीडिया पर डाल रहे हैं कि जी मीडिया ने ऐसा तासर दिया, कौमी बीमारी है, कभी डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड पर शक कर रहे हैं, तो इसमें मुश्किल क्या है? आसान सी बात है कि अगर इंक्वायरी हुई है और उसमें से कुछ निकला है तो कौम के सामने रख दें, जिन्होंने गड़बड़ की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्या कोई हुकूमत को इस बात से रोक सकता है कि अगर कोई मुजरम है और वो साबित हो रहा है कि उसने कोई मेलाफाइडी काम किया है या कोई उसने कोई रिश्वत लेके ये रिपोर्टें जाली बनाई है तो उसको पकड़े। हुकूमत को किसने रोका है कि वो इस बात की सरकारी तौर पर तफ्तीश ना कराए कि हकायक क्या है? और लगता ही हो कि महज मीडिया पर बयानबाजी करके पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और इसलिए की जा रही है कि फिलहाल करने को कुछ और नजर नहीं आ रहा।